ये था कि वापस नहीं जा सकते थे, वापस जाके क्या करते, इसलिए मजबूरी में रहना पड़ रहा था। क्योंकि अगर मेरे सामने ऑप्शन होता ना तो मैं सच में बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा हो गया तो मैं चला जाता था। आपने भी रोमांस के बारे में बोला ना, तो ये मेरी रियल लाइफ में हुआ। मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो फिल्म में पिक्चराइज किया गया। तो इस तरह की चीज़ों तो मैंने देखी हैं, या जो भी आजकल जैसे यूनिवर्सिटी में या आपका पहाड़ जो हमारी लाइफ में होता है, उस तरह का रोमांस फिल्मों में देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आम जिंदगी में प्लीज ध्यान दीजिए, परमिशन लीजिए, जो भी करें परमिशन लीजिए। आजकल तो लॉ भी थोड़ा अमीर के साथ आप काम कर रहे थे, तो वो प्रेशर था आपके पास? नहीं, अगर प्रेशर फील करते हैं ना आप कभी भी किसी भी स्टार का, तो दैट मीन आप जस्टिस नहीं कर रहे हो अपने कैरेक्टर के साथ, या तो आप कैरेक्टर में इन्वॉल्व नहीं हो। मेरे लिए मैं जब परफॉर्मेंस कर रहा था, अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं एज एन एक्टर किसी भी स्टार के सामने, अगर आप कॉन्शियस हो रहे हो उसके स्टारडम को लेके, या वो बहुत बड़ा सा कोई स्टार है उसको कौन, दैट मीन वो तो ठीक है, आप गलत हो कि आप अपने कैरेक्टर में नहीं हो। तो ये बहुत बहुत पहले आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा। अगर आप कैरेक्टर में हैं तो सामने वाला आपको कैरेक्टर में लगेगा। अगर मैं अपने या तैमूर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे सामने वो आमिर खान नहीं है उस वक्त पे, मेरे सामने वो पुलिस ऑफिसर है। तो अगर मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है सीन करते हुए, तो वही ऑनेस्टी होती है। अगर मुझे लग रहा है कि यार ये तो ब्रांडो है, अल पचिनो है, और इसके सामने मैं ये किरदार कर रहा हूँ, दैट मीन कहीं ना कहीं आप डिसऑनेस्ट हैं आपके कैरेक्टर के लिए। तो वो बहुत ही, वो फिर आपको छोड़ के कुछ और काम कर लेना चाहिए मेरे ख्याल, क्योंकि आप जा ही नहीं रहे, कैरेक्टर को समझ ही नहीं रहे, आप अपने आप को नहीं समझ रहे, आप अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर नहीं किया। या तो आपने मैं सच बताऊं, मुझे इंस्पिरेशन तो क्या मतलब, मैं ये था कि वापस नहीं जा सकते थे, हम वापस जाके क्या करते, इसलिए मजबूरी में रहना पड़ रहा था। क्योंकि अगर मेरे सामने ऑप्शन होता ना तो मैं सच में बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा हो गया तो मैं चला जाता वापस। बट थोड़ा सा डर लगता था कि अगर वापस चला गया तो लोग कहेंगे अच्छा बड़ा मतलब एक्टर बनने गया था, हमने तो पहले भी बताया कि थोड़ा देख ले अपना चेहरा, तो इतना ज़्यादा डर लगता था। क्या हमने बताया तो तू वहाँ कुछ, क्योंकि मेरे अपने खुद के लाइक मौसा मौसी ये सब लोग बोलते थे यार तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरा चेहरा वेरा तो है नहीं, हाइट वाइट तो है नहीं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। तो वो बहुत सारा सुनने को मिलता था मुझे इसी चीज़ का। यहाँ पे आने के बाद डर लगता है कि अगर मैं उनके सामने वहाँ पर वापस चला गया मैं, तो वो बोलेंगे अच्छा हम तो बोले थे ना कुछ पहले, इसलिए नहीं जाता था। डायस है जो डांसिंग फेस्टिवल में थी दिस ईयर, और मेरे ख्याल कुछ 4-5 फिल्में हैं, और ईद तक की रिलीज होगी, और उसके बाद एक बाबू मोशाय बंदूकबाज वो है। तो मेरा अबाउट इस साल में 2-3 फिल्में रिलीज होंगी, 3 फिल्में। हाँ, अनवर गजब इस साल, हाँ वो फेस्टिवल में जा रही है। इतफाक थे उन्होंने हमेशा उनको इसलिए देख ली, वो उस उनमें से कभी किसी ने कुछ दूसरा कुछ देखने की कोशिश ही नहीं की। एक बार कॉस्ट्यूम पहना दी पुलिस वाली, तो पूरी जिंदगी आपकी पहली गाड़ी स्टीम जगुआर मैंने ली थी, वो 6-7 साल पहले। कोई खास ओकेजन था या फिर शुरू करने नहीं पैसे मिले थे, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी वो। फेवरेट शूटिंग लोकेशन कहीं भी कलकत्ता में रहते हैं, मनाली चले बहुत सही मुझे लगता है। फेवरेट डिश खाने की शौकीन है? हाँ मैं नॉनवेज में क्या नॉनवेज में तो कुछ भी चलता है।